आपकी पार्टी सत्ता में है तो क्या लगता है 2022 में वापस आएगी तो क्यों आएगी, किन मुद्दों पर वापस आएगी? हमारा जो नारा था ना गुंडागर्दी में भ्रष्टाचार, आज आप देख रहे हो उस नारे को साकार करते हुए हम लोगों ने, गुंडागर्दी का कोई नाम निशान नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर सफाई का काम किया भ्रष्टाचार का सरकार ने। पिछला जो प्रशासन है सपा के गुंडा राज को भूला है, न बसपा के भ्रष्टाचार को भूला है, न तिलक तराजू तलवार को भूला है। अभी शीशे के घर वाले दूसरे की तुलना करें, अरे इस देश को किसने बर्बाद किया है ये सब आप जानते हैं। आप याद करो समय को, संजय गांधी जी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस प्रदेश को जबरदस्ती नपुंसक बनाने का काम किया था सरकार ने। हम लगातार आपको चुनावी चर्चा दिखा रहे हैं, चुनावी चर्चा में लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता की पहली पसंद कौन है आगामी 2022 चुनाव के लिए। उसी चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ अलीगढ़ के कोल क्षेत्र के विधायक अनिल पारासर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी चर्चा में उनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या विचार है। सर, जिस तरह से सभी पार्टियां चुनाव में जीत का दावा भर रही हैं, वहीं एक उत्तर प्रदेश का एक इतिहास भी रहा है कि यहां कोई पार्टी सत्ता में दोबारा से वापस नहीं आई। अब आपकी पार्टी सत्ता में है तो क्या लगता है 2022 में वापस आएगी तो क्यों आएगी, किन मुद्दों पर वापस आएगी? देखिए, इस देश का सौभाग्य है कि एक तरफ देश में मोदी जी जैसा नेतृत्व है, प्रदेश में योगी जी जैसा नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में सफल सरकार चलाने का अनुभव भी है। और हमारा जो नारा था ना गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार, आज आप देख रहे हो उस नारे को साकार करते हुए हम लोगों ने, गुंडागर्दी का कहीं कोई नाम निशान नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर सफाई का काम किया भ्रष्टाचार का सरकार ने, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतते हुए इस सरकार ने काम किया है। और जनता ही राजा बनाएगी, जनता को पूरा निचले स्तर तक जो पहुँचाने का विकास कार्य होगा, ये जिम्मा जो एजेंडा रहा है हमारा, उस एजेंडे को नीचे तक पहुँचाने का काम किया सरकार ने। और आज चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मेयर से लेकर गांव की गली से लेकर शहर तक कोई ना कोई काम आपको होता हुआ दिख रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि जनता सब कुछ देख रही है, जिस तरह से इस प्रदेश को सपा ने बसपा ने लूटने का काम किया, आज जनता का पैसा जनता के विकास के लिए काम आ रहा है, जनता के विश्वास के लिए काम आ रहा है, जनता के सहयोग के लिए काम आ रहा है। और कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए जिस तरह का विश्वव्यापी मैनेजमेंट जो सराहना हुई उस मैनेजमेंट की, आज योगी जी ने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। आज वो हमने करके दिखाया है और 2022 में और भी अधिक बहुमत के साथ ये सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है सर, जिस तरह से आप देख रहे हो कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी पकड़ बनाने में मजबूत करने में लगी हैं कि किस तरह से वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, वहीं बसपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा करती है, तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को खींचने का और भ्रम फैलाने का भी काम किया विपक्ष ने कि ब्राह्मणों विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार रही बीजेपी की, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, इस तरह से ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये अब षड्यंत्र पर उतरने को उतारू हैं और इनका षड्यंत्र कतई सफल नहीं होगा। राष्ट्रवादी शक्तियाँ सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ जान रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे समाज को जातियों पर बांटने का काम किया, उपजातियों पर बांटने का काम किया, इसके लिए जिम्मेदार हैं क्षेत्रीय दल जिम्मेदार हैं। आज आप देख रहे हैं चाहे बहुसंख्यक समाज हो चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, सब लोगों को जब विकास की यात्रा मिल रही है, विकास का सुशासन मिल रहा है, गुंडागर्दी का कहीं नाम निशान नहीं है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से सफाया हो चुका है, आप 5 लाख नौकरियाँ जो मिली हैं ये आप देख रहे हैं, जीता जागता उदाहरण है, एक नौकरी भ्रष्टाचार के सहारे अगर मिली हो इस सरकार में तो आप बताइए, अरे हम काम के बल पर सरकार बनाने जा रहे हैं, वो जातियों के बल पर बांटने का काम करना चाह रहे हैं। ये सरकार जो काम कर रही है उस काम के आगे विपक्ष के सारे मुद्दाहीन होंगे आप आने वाले समय में। और जातियों में बढ़ने वाला नहीं है हिंदू समाज सब कुछ देख चुका है, बहुसंख्यक समाज के नाते सब कुछ देख चुका है और अल्पसंख्यक समाज भी सब कुछ देख चुका है। जिस तरह से इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया है, उस वोट बैंक की राजनीति में कोई भी बहुसंख्यक समाज कोई भी अल्पसंख्यक समाज इनके झांसे में नहीं आने वाला है, इनके षड्यंत्र में नहीं आने वाला है। और भी अधिक भारी बहुमत के साथ ये सरकार बनेगी, 325 से ज़्यादा विधायक हमारे ज़्यादा जीत के आएंगे और भारी बहुमत के साथ जीत के आएंगे, ऐसा मेरा कहना है। जिस तरह से ओबीसी और ओम प्रकाश राजभर जिनकी पार्टी है वो दोनों अब एक साथ हो गए, गठबंधन कर रहे हैं, क्या उससे बीजेपी के लिए कोई वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, हर राजनीतिक दल में कुछ ब्लैक मिलर होते हैं,
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगी जी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ ये लोग हाथ लगाएंगे, चाहे ओबीसी हो चाहे राजवर्जी हो, वही झुलसेगा। ओबीसी की यात्रा आपने देख चुके हैं, और मैं तो कह रहा हूँ सारा विपक्ष एकजुट हो जाए। आप ओबीसी और राजवर्जी की बात क्यों कर रहे हैं? सपा बसपा जो भी कांग्रेस है, सारे ओबीसी राजभर और भी कुछ मिल जाए इसके अंदर, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी भारू भाव के साथ विजय बन के आएगी। हमारा जो लक्ष्य है, हमारे माननीय गृहमंत्री जी का लक्ष्य है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का लक्ष्य है, 51% वोट नहीं, इस बार हम 60% वोट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मिलेगा योगी जी के नेतृत्व में। योगी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कितना भी प्रयास कर ले, कुत्सित प्रयास कर ले, जनता को भड़काने का प्रयास कर ले, समाज को बांटने का प्रयास कर ले, ये समाज पिछला जो कुशासन है, पिछली जो दुर्गति प्रदेश की हुई है 20 सालों, को भूला नहीं है। न सपा के गुंडा राज को भूला है, न बसपा के भ्रष्टाचार को भूला है, न तिलक तराजू तलवार को भूला है अभी। और आप देख रहे होंगे ये ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। हाँ। आपने देखा होगा एक तरफ योगी जी अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी के वर्षगांठ को मनाने का कार्यक्रम चल रहा था, और भगवान श्री राम परशुराम एक दूसरे के पूरक हैं, ये उनको बांटने का काम कर रहे हैं। ये समाज में कहीं कोई प्रयास इनका सफल नहीं होगा। दूसरी तरफ देखिए आप, परशुराम जी का चित्र लेकर हाथ में, जूते पैरों में पहनकर, ये परशुराम भगवान जी का कौन सा सम्मान कर रहे थे? आप मीडिया को दिखाना चाहिए ना, बताना चाहिए जनता को कि सारे नेता भगवान परशुराम जी के चित्र लेकर और जूते पहनकर उनका सम्मान कर रहे थे, अपमान कर रहे थे? ये अखिलेश जी बताने का काम करें जनता को, ये कौन सा सम्मान होता जूते पहनकर महापुरुषों का? ये सनातन धर्म के अनुयायी हमारी पार्टी, हिंदुत्व हमारा आधार है, लेकिन उसके बाद भी हम जब कोई भी महापुरुष हो, हमारा किसी भी महापुरुष का सम्मान कर रहे हो, तो हमें इतने संस्कार नहीं है। एक ब्राह्मण के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी चित्र पर या चित्र का सम्मान करने जा रहे हो, हम 20 लोग 25 लोग जूते पहनकर सम्मान करेंगे उनका? आप पूछिए अखिलेश जी से, पूछिए उनके सहयोगी से, पूछिए, ये सम्मान नहीं है। ये भगवान श्री राम जी का, भगवान परशुराम जी का घोर अपमान इन्होंने किया है। और भगवान परशुराम, भगवान श्री राम अलग नहीं है, इस देश के आराध्य है, इस हिंदू की आत्मा है, और इस आत्मा को किसी भी षड्यंत्र के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा कहना है। सर, जिस तरह से हम आजकल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो लोगों के साथ जनसंवाद भी कर रहे हैं, वहीं कुछ किसानों से भी हमारा संपर्क हुआ, आमना सामना किसानों से हुआ, तो किसानों का कहीं ना कहीं यही कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, वहीं अगर सपा सरकार से अगर अब तक की बात की जाए तो बिजली के बिलों को 2 गुना कर दिया गया, उससे कहीं ना कहीं किसान त्रस्त है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत बात कही जा रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, बार बार षड्यंत्र की बातें करेंगे, उसका मुँहतोड़ जवाब देना भी जनता जानती है, और मुँहतोड़ जवाब देगी। जहाँ 4 घंटे प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, 10 घंटे प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, अब 4 घंटे के 10 घंटे ट्यूबवेल की लाइट हमको मिल रही है। आप एवरेज निकालिए ना, 18-20 घंटे गाँव को लाइट मिल रही है, 24 घंटे शहरों को लाइट मिल रही है, अब इटावा को या मैनपुरी को लाइट नहीं मिल रही, पूरे प्रदेश को विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से मिल रही है। और आप देख भी रहे हैं, इस देश का, प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जी जैसे नेतृत्व में 28,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी थी, रिकॉर्ड मेगावाट की जो कैपेसिटी थी, उसको भी इस गर्मी में पूरा किया सरकार ने। ये छोटी मोटी उल्पत नहीं है, कहने कुछ भी कहें, 10 घंटे बिजली अगर दे रहे हैं हम, नहरों की बिजली फ्री दे रहे हैं हम लोग, सरकारी ट्यूबवेल की बिजली फ्री दे रहे हैं हम लोग, पानी भी निःशुल्क दे रहे हैं हम लोग, अगर 4 घंटे का बिल अगर वो 1200 रुपये था, और 10 घंटे का बिल अगर 1500 रुपये 1400 रुपये हो गया है, तो ये महंगाई नहीं है? उसकी जगह डीजल अगर भुगता है, किसान कितने का डीजल भुगता है? अभी एवरेज लगा के देखिए ना, 20 घंटे 22 घंटे बिजली देहात में मिल रही है आज की तारीख में, इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, उसे डीजल के फूकने का एवरेज लगाइए आप, उस देश की इकोनॉमी को, देश की GDP को कितना डीजल बर्बाद करता था, आज आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 24 घंटे शहर को बिजली, 22 घंटे तहसीलों को बिजली, 18-20 घंटे गाँवों को बिजली, ऐसा सुशासन, ऐसी बिजली उपलब्धता देखी थी क्या आपने? पर सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि किसान कहीं ना कहीं दुखी तो है। अभी जिस तरह से बारिश हुई, प्रकृति की मार जिस तरह से किसान पर पड़ी, उससे किसान की, बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, और उन्होंने कहा हमने जाके लेखपाल से भी मिले, हमने शिकायत की, पर हमारी कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई, और हम आत्महत्या करने के लिए भी उतारू हो रहे हैं। तो ऐसे भी किसान हैं इस देश में, तो इस पर तो ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, गाँव गरीब किसान की सरकार है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सरकार है, पंडित दीनदयाल जी का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने वाली सरकार है, अंत्योदय जिस पर पूरा विश्व की इकोनॉमी आज की तारीख में उस इकोनॉमी को लेकर चल रहा है, अंत्योदय विषय को लेकर चल रहा है,
ये ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी का होना छोटी मोटी बात नहीं है। और उसमें जब भारत की नीतियाँ, भारत की आर्थिक नीतियाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक नीतियाँ लागू हो रही हों, मैं समझता हूँ किसान आज खुशहाल है, देश आज खुशहाल है। कोरोना जैसी बीमारी के बाद, महामारी के बाद भी जिस तरह से किसान की आमदनी दूनी, निश्चित रूप से दूनी हुई है, और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है हम सब लोगों। एक तरफ आवास दे रहे हैं, एक तरफ शौचालय दे रहे हैं, एक तरफ स्वास्थ्य दे रहे हैं, एक तरफ शिक्षा दे रहे हैं, एक तरफ बिजली दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को उसमें जो गुंजाइश हो सकती है उसको हमें प्रयास करना चाहिए। और किसान और अधिक खुशहाल कैसे हो, ये सुझाव हमें देने चाहिए, उन सुझावों को सरकार तत्काल लागू करेगी। सर, जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा काटा, चेयरों के ऊपर चढ़ गए, महिला मार्शलों के साथ बदतमीजी भी की गई, और उस पर राहुल गांधी ने फिर पैदल मार्च निकाला बीजे चौक पर, वो कहते कि ये सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। देश किसने बेचा आप सब जानते हैं, शीशे के घर वाले दूसरे की तुलना करें। अरे इस देश को किसने बर्बाद किया है ये सब आप जानते हैं। और राहुल गांधी की जो मानसिक स्तर है, मैं कहना चाहूँ सामान्य व्यक्ति के बराबर भी नहीं है उनका मानसिक स्तर। अगर ये देश राहुल गांधी के हाथों में होता तो जनता अपने आप तय कर ले क्या स्थिति इस देश की होती। मैं कहना चाह रहा हूँ ये षड्यंत्र इनके सफल नहीं होंगे। षड्यंत्रकारी जो भी प्लानिंग किसी की होती है वो कभी सफल नहीं होता। आज वो मुद्दाविहीन विपक्ष केवल लोकसभा को बंधक बना के रखने का प्रयास कर रहा था, ये अच्छा था क्या? लोकसभा के अंदर देखा आपने कौन से बाहर के मार्शल आ गए थे लोकसभा में, जिस तरह का आरोप लगाना चाह रहे हैं। अरे आप व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, आप पीठ का सम्मान नहीं कर रहे, सदन का सम्मान नहीं कर रहे, तो आप षड्यंत्र पर उतर आए, आप हिसाब पर उतर आए, यही लोकतंत्र है क्या? उनको अभी भी समय रहते अगर सीख नहीं सीखी उन लोगों ने तो उनका हश्र और भी अधिक बड़ा होने वाला है। ये जनता सब देख रही है, 130 करोड़ जनता बेवकूफ़ नहीं है, ना ही अपने षड्यंत्रों से जनता को बेवकूफ़ बना सकते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका कैसे निभाई जाती है, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखे। सकारात्मक विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे, ये केवल कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र के साथ सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है, प्रदेश योगी जी के साथ खड़ा है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ खड़ा है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे जिस तरह का मैनेजमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का मैनेजमेंट हो या प्रदेश सरकार का मैनेजमेंट हो, कोरोना महामारी को लेकर ये किसी से छूटा नहीं है। आज विकसित देश की स्थिति हो रही है, उसके बाद भी भारत इन चीज़ों का मुकाबला कर रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और आर्थिक गतिविधि के नाते हमारा देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाले समय में देखेंगे अगले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, आप खुद देख लेंगे। सर, जिस तरह से अभी जैसे योगी सरकार ने जो दो बच्चों का जो पॉलिसी था उसको जो लाने का जो खाका जैसे ही सरकार ने तैयार किया और उसको जैसे ही सामने सरकार लेके आई, तुरंत से विपक्ष ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया कि सरकार कहीं ना कहीं एक विशेष जाति धर्म को टारगेट कर रही है। बिल्कुल सरासर गलत, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग जागरूक हैं। आप एमयू में चले जाइए ना, जितने पढ़े लिखे आपको प्रोफेसर मिलेंगे, जितने हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड वहाँ के एम्प्लॉय मिलेंगे, सबके दो बच्चे होंगे, तीन बच्चे होंगे अक्सर। लेकिन एक होड़ हो रही है, और एक धर्म विशेष में क्यों हो रही है, बहुसंख्यक समाज में क्यों नहीं हो रही होड़ बच्चे पैदा करने की? ये देश पर अनावश्यक बोझ बढ़ाने जैसा है, और धर्म की आड़ लेकर इस तरह के कुत्सित प्रयास करना और इस देश को एक संकट की ओर धकेलना, उससे उभरने का प्रयास है ये। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज क्या प्रयास हो। अरे इंदिरा गांधी जी को याद करिए ना, सन 77 में आप जिन्होंने जबरदस्ती नसबंदी करा दी थी लोगों की, उस समय का भूल गई कांग्रेस, उस समय को मुलायम सिंह जी भूल गए, उस समय अखिलेश जी भूल गए। आप याद करो उस समय को, संजय गांधी जी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस प्रदेश को जबरदस्ती नपुंसक बनाने का काम किया था इस सरकार ने। आज वो हमें दुहाई दे रही है इस बात की। आप आईना देखें और आईने में अपने करतूतों को देखें। ये सरकार कानून के माध्यम से, सर्व की सहमति के माध्यम से इस बात को लाना चाह रही है, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस कानून का स्वागत कर रहा है आज। जिस तरह से अभी हमारी बात विधायक जी से हो रही थी, अनिल पारा सर जी विधायक हमारे साथ मौजूद थे, कई चुनावी मुद्दों पर हमने चर्चा की, कई विपक्ष के आरोपों पर भी हमने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने एकदम बेबाकी से जिस तरह से जवाब दिया उसको सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आज समाज आगे बढ़ रहा है। और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार सत्ता में आएगी और जनता
विपक्ष को जवाब देगी कि जिस तरह से वो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको किस तरह से जनता नकारेगी, उसका रिजल्ट 2022 में जनता खुद से दे देगी। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे चैनल पर आप जुड़े, नमस्कार।